पानीपत के शांतिनगर और विराट नगर के मध्य स्थित दिशा दिव्यांग स्कूल में लगभग 80 के करीब बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। इसमें दिव्यांग बच्चों को रहन सहन और साफ सफाई के बारे में भी समझाया जाता है। स्कूल में पहुंचे समाज सेवी ललित गोयल इस स्कूल की कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि इस स्कूल को एक संस्था चला रही है। स्कूल की प्रिंसिपल सीमा शर्मा बच्चों की देखरेख का जिम्मा संभाल रही हैं। ललित गोयल ने पानीपत के सभी व्यवसायियों और उद्योगपतियों को अपील की है कि सभी संस्थाएं इस स्कूल से जुड़े व बच्चों का भविष्य सुधारे। आज हमारा जो है सामना एक अच्छे एक रियल हीरो के साथ हमारा हुआ दिशा दिव्यांग स्कूल के अंदर, जो छुपे हुए थे हमारे से बड़े दिनों से। हम काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे कि ऐसी कुछ एक संस्थाओं का हम जायजा लें कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही हैं। उसी के बीच में हमें पता लगा कि दिशा दिव्यांग स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जिसके अंदर करीबन 80 के आसपास बच्चे हैं। और पता करने पे हमें पता लगा कि करीबन पानीपत के अंदर 2000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, और मोस्टली बच्चे जो हैं वो घरों के अंदर ही रहते हैं। तकरीबन 500 बच्चे हैं जो स्कूल में दिव्यांग स्कूल के अंदर जा रहे हैं। अभी 1500 बच्चे अभी ऐसे हैं कि जो अभी घर पे ही रहते हैं। उनको कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी उनको स्कूल में लाया जाए, लेकिन परिवार की तरफ से किसी तरह का भी सहयोग नहीं मिलता, ऐसा हमें दिशा दिव्यांग स्कूल पे से बात करके हमें पता लगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो बच्चे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, या ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा है और उनको जो है कानों से सुनाई नहीं दे रहा है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल पा रहे हैं लेकिन सुनाई ना देने की वजह से उनको रिएक्शन अपना नहीं दिखा पाते, और उनके लिए दिशा दिव्यांग स्कूल जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सीना शर्मा जी हैं उनकी प्रिंसिपल, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मेरा अभी आना हुआ यहाँ पे और देख के वाकई में बच्चों के अंदर से हमारे दिल पिघल जाते हैं उनको देख के, इतना ज़्यादा सहानुभूति उनसे हमें मिली, लगा कि वाकई में हमारे बच्चे तो नॉर्मल हैं, कितना हम अच्छा फील करते हैं। और जब इन बच्चों को देखते हैं तो वाकई में लगता है कि कुछ हमें करना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो मैं सभी समाज सेवी और धार्मिक संगठनों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया जो है वो इन बच्चों के पास एक बार आके जरूर देखें, उसके बाद जैसा आपका लगे, जैसा आपका मन हो कि हमें इन बच्चों को मदद करनी चाहिए, इस स्कूलों की मदद करनी चाहिए, ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये भी हमारे नागरिक हैं, हमारे पानीपत के नागरिक हैं। अगर ऐसा हम इनका सहयोग हम कर पाएंगे तो हम अपने आप को इनके लायक कुछ समझ पाएंगे। हम काफ़ी चर्चा करते हैं कि काफ़ी हैं कि भी देशभक्ति है, क्या देशभक्ति है, क्या हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये भी तो हमारे ही बेटे हैं ये, और ऐसे ऐसे परिवारों से हैं जो अच्छे समृद्ध परिवार हैं, और काफ़ी ऐसे हैं जो गरीब ज़्यादा परिवारों से हैं और बच्चों की फ़ीस तक भी नहीं दे पा रहे वो, ठीक है, या सक्षम है तो उन बच्चों के ऊपर वो खर्च नहीं करना चाहते माँ बाप। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी एक परिवार का हिस्सा होने वाले हम सभी, और इनका पालन पोषण जो अच्छे तरीके से करें। ये एड्रेस क्या पड़ता है? ये एड्रेस जो है आपका असंध रोड पे, आपका जो हम बाल विकास स्कूल से हम ज़्यादा जाएंगे तो असंध रोड पे आ जाएंगे हम, बाईपास पे, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप से फर्स्ट गली के अंदर ही है ये दिशा दिव्यांग स्कूल। सभी संस्थाएं जो है एक बार जाके जरूर आएँ, मेरा इतना अनुरोध है उनसे सभी से कि सभी के सभी एक बार आके देखें स्कूल में, जायजा लें, और उनको फिर जैसा लगता है, जैसा उचित समझे, उसी हिसाब से फिर वो कार्रवाई करें। धन्यवाद। ललित गोयल, पानीपत।